शहनाज को और गिल का गाना जेंटलमैन, जिसका पोस्टर जो है एक दिन पहले लॉन्च हुआ, रॉबी सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर लॉन्च किया। क्या है वो गाना, कब शूट हुआ, कहाँ शूट हुआ, कैसे हुई थी उसकी शूटिंग, वो गाना क्या है, नया है, पुराना है, क्यों शहनाज को टैग नहीं किया गया, ये सारे सवालों के जवाब मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर दूंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जेंटलमैन का पोस्टर जो है सोशल मीडिया पर रॉबी सिंह ने शेयर किया। ये पंजाबी सिंगर है, इन्होंने गाया है गाना। ये मेलबर्न बेस्ड है, वैसे पंजाबी है। मेरी इनसे बात हुई फिल्म विंडो के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में, जो डिटेल्स हमें मिली है मैं आपको बताती हूँ। रॉबी के साथ शहनाज के 4 गाने आप देखेंगे। सबसे पहला गाना आपने देखा माइंड ना करी, जो कि नवंबर में लॉन्च हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ 30 नवंबर को ये गाना जो है माइंड ना करी लॉन्च हुआ था। अगर आप रॉबी सिंह का ये देखें सोशल मीडिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है नवंबर में लॉन्च हुआ था। इसके बाद गाना आया रेंज, जो कि दिसंबर में आया था। और ये जो गाना है माइंड ना करी, आर म्यूजिक ने प्रेजेंट किया है। इसमें आप मेन लीड में देखेंगे तो रॉबी सिंह है। और ये गाना जो है मेलबर्न में ही शूट हुआ था। दरअसल शहनाज कौर गिल अपने लाइव शो के लिए सिडनी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया गई थी। तब वहाँ पर 4 दिन, अगर मैं अप्रॉक्स डेट्स बताऊँ तो 10 से 14 सितंबर के बीच में गाने हुए थे। 4 गाने वो जो है लॉन्च हुए, जिसमें रॉबी के साथ उन्होंने काम किया था। ये तीसरा गाना है उसी कड़ी में। रेंज गाने में भी आप जिसको देखते हैं मेन लीड में, वो रॉबी सिंह ही हैं। ये तीसरा गाना है जेंटलमैन, जिसमें शहनाज कौर गिल आपको देखने को मिलेगी। और चौथा गाना एक और है जो और 15 दिन के बाद लॉन्च होगा। तो ये गाने, जाहिर सी बात है कि जब शहनाज कौर गिल बिग बॉस गई उससे पहले के ही ये सारे गाने हैं। और उन्हीं गानों का जब शूटिंग हुआ था, ये मेलबर्न का उसी समय का शूटिंग है। और जो गाने हैं अब एक एक करके लॉन्च हो रही हैं। तो ये गाना जो है लॉन्च होगा अगले फ्राइडे को। ये लॉन्च डेट भी मैं आपको बता देती हूँ, शुक्रवार के दिन ये गाना आएगा। साथ ही जब मैंने रॉबी से पूछा कि रॉबी आपने शहनाज गिल को जो है इसमें टैग नहीं किया है, तो क्या शहनाज इस गाने को प्रमोट नहीं करेंगी, तो उनका ये कहना था कि शहनाज की जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे लगा कि वो परेशान होंगी, ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं उनसे, मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन मुझे ये समय सही नहीं लगा कि मैं उनको टैग करूं, और इसीलिए मैंने टैग नहीं किया है। ये गाना है, लोगों को पसंद आएगा, और जो है अगर मुझे मौका मिला तो मैं शहनाज से ज़रूर बात करके चाहूँगा कि वो इस गाने को प्रमोट करें। हालांकि इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं शहनाज के बारे में शेयर की, जो मैं आप तक ज़रूर बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी। लेकिन फिलहाल इस गाने को लेकर मैं ये डिटेल देना चाह रही थी कि 4 गाने आपको रॉबी के साथ उनके दिखेंगे, 2 आप देख चुके हैं, तीसरा है, और एक बहुत ही जल्दी चौथा भी नज़र आएगा। उसमें जो है सिंगर कोई और है, लेकिन इन दोनों ने बतौर लीड उस गाने में काम किया है। तो ये गाना अगले फ्राइडे जो है लॉन्च हो जाएगा। अब देखते हैं कि शहनाज इस गाने को सपोर्ट करती हैं या नहीं। लेकिन ये बिग बॉस से पहले मेलबर्न में सितंबर में शूट हुए थे, और 15-16 सितंबर को वो वहाँ से निकल गई थी, क्योंकि उन्हें 29 से जो बिग बॉस शुरू होने वाला था उसमें पार्टिसिपेट करना था। तो ये गाना है, शूट हुआ था। 4 गाने रॉबी के साथ हैं उनके, जो आप देख सकेंगे, 2 आप देख चुके हैं, तीसरा है, और एक चौथा भी बहुत जल्दी आएगा। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि शहनाज इंतज़ार करते हैं, वो इस गाने को प्रमोट करती हैं या नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।